से कम की लागत में पर यूनिट बिजली सौर्य ऊर्जा से अवेलेबल है, लेकिन ये ऊर्जा उसी वक्त अवेलेबल है जिस वक्त सूर्य चमक रहा है। एक बार सूर्य ढल जाता है तो फिर ये अवेलेबल नहीं। उस समय क्या करें? उस समय या तो आप पंप स्टोरेज का सहारा लें या बैटरी का, जिनको कि चार्ज कर दिया जिस वक्त सौर्य ऊर्जा है उस वक्त। एक तीसरा उपाय ये है कि कनेक्ट करें उन देशों को, जैसे ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया में जब शाम हो गई, सूर्य ढल गया, भारत में तो सब सूर्य है, तो भारत में यदि सौर्य ऊर्जा की क्षमता लगाई तो यहां पर बिजली जो जनरेट हुई वो उस कनेक्शन के थ्रू, उस केबल के थ्रू भारत से ईस्ट एशिया चली गई जी। तो कहीं ना कहीं तो सूरज हर समय चमकता है, तो अगर एक ग्रिड बना दे जो इसको फॉलो करे, तो जहां जहां पर सूर्यास्त हो गया है वहां वहां पर आपको सौर्य ऊर्जा से बनी बिजली मिल जाएगी जी। इसको प्रधानमंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कह के असेंबली के, अंतर्राष्ट्रीय सौर्य संगठन के पहले असेंबली में इसको ये आइडिया रखा। आज की तारीख में इसकी दुनिया भर में एक अच्छी अच्छी तरह से इसको रिसीव किया गया, और शायद अगला अब जो कॉप होगा उसमें भारत के प्रधानमंत्री और यूके के प्रधानमंत्री कई और देशों के साथ जी इसको लॉन्च करेंगे। यानी कि अब हम इस पर पहुंच गए हैं कि देश रियलाइज करते हैं कि एक देश से जहां पर सूर्यास्त हो गया है वहां पर बिजली लेना फायदेमंद है उन देशों से जहां पर अभी सूर्य चमक रहा है। जर्मनी में ये हम बहुत सालों से देख रहे हैं, उनका नॉर्वे से कनेक्शन है। 2013 में ही ऐसे दिन हो गए थे जब पूरे दिन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी वहां मिली थी जी। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में इजिप्ट ने कहा है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ एक केबल बनाएगा। हमने ये देखा है कि यूके और नॉर्वे के बीच में केबल की बात हुई है। हमने ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के बीच में बात हुई केबल। अर्थात ये एक आइडिया है जिसका समय आ गया है जी। अभी अगर मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो भारत की स्थिति सोलर एनर्जी की दृष्टि से कितनी सुगम है, उसका रास्ता कितना आसान है भारत का? देखिए ऐसा है, जैसे कि मैंने कहा कि आज की तारीख में जो बिजली हमें सौर ऊर्जा से मिलती है वो 2 रुपए से कम पर यूनिट की है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किंतु रात में जब हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो यही ऊर्जा लगभग 6 रुपए पर यूनिट हो जाती है। बैटरी के दाम कम होने से रात में भी सौर्य ऊर्जा आपको सस्ते दर पे मिल पाएगी। ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि सौर्य ऊर्जा लगाने के लिए हमारे पास जो धन आ रहा है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो काफी है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट वो काफी हाई जी। दुनिया में जिस समय इंटरेस्ट रेट 1% 2% है तो यहां पर वो 9-10-11% बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार के रिस्क मिटिगेशन इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएं जो कि भारत में और अन्य विकासशील देशों में जो पैसे की कीमत है, जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर सके। ये मेरे हिसाब से ये 2 सबसे बड़े चैलेंजेस जी। जी बिल्कुल प्रफुल्ल जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय सवाल मैंने इसलिए उठाया सौर ऊर्जा को लेकर क्योंकि अक्सर ये बात होती है कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है, और उसके चलते सौर ऊर्जा जितनी सस्ती मिल सकती है उतनी सस्ती नहीं मिल पाती है। हालांकि पिछले 10-12 सालों में काफी परिवर्तन आया है, सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं भी शुरू की हैं। आप कैसे देखते हैं, खासतौर से हम जब ग्लोबल सोलर ग्रिड की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो सस्ती बिजली का सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है।
आपने बहुत सही सवाल किया है। अब मेरा इस सेक्टर से संबंधित 2000 से है और मुझे अभी भी याद है 2007-8 साल में सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन की जो कैपेसिटी एक जगह की थी वो 1 मेगावाट भी अगर कहीं कोई लगा ले तो वो एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और तब ये जो बिजली है सोलर से मिल